नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज और आज हम लोग पुनः ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर लिया था, 50 क्वेश्चंस से आगे हम लोग देखते हैं। तो मेंडर ने मटर के कितने गुणों के साथ कार्य किया था, इसमें आपको बताना है कि 7, 2, 3 या 6। तो हमारा जो आंसर इसका जाएगा वो जाएगा 7 नंबर। 7 गुण हैं इसमें, 7 गुणसूत्र हैं इसमें, उसके आधार पर किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन कहता है क्या है कि ऑक्सीन है एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑक्सीन जो है वो एक प्रकार का हार्मोन है, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए नंबर ऑप्शन। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके आधार पर आपको बताना। उपचयन, संयोजन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी। तो इसमें देखिएगा दो ऐसे ऑप्शन है जिसके ऊपर आपको डाउट हो सकता है, एक है आपका उपचयन और दूसरा है उष्माक्षेपी। ठीक है, तो यहाँ पर जो परफेक्ट आंसर है वो है उष्मा, यहाँ पर जो परफेक्ट आंसर है वो हमारा उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं उसको। और यदि ये दोनों ऑप्शन ए और बी इस तरह से करके या ए और प्लस सी दोनों दे दिया रहे तो वहाँ पर ये दोनों ही टिक कर देंगे आप। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। फॉर्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, प्रोपनोइक अम्ल है या ब्यूटेरिक अम्ल है। तो आपको इसमें से बताना है। तो हमारा जो आंसर चाहेगा इसका वो हमारा हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल है। क्या है? फॉर्मिक अम्ल है। इससे पहले भी हमारे जो वीडियोस बनाए हैं मैंने, तो उसके ऊपर आप देखिएगा कि वहाँ पर भी मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को डील किया है। धुविया सोडा यानी धोवन सोडा भी बोला जाए इसको, का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको बताना है इसमें से आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आप देखिएगा, तो धोवन सोडा जो होता है उसका जो सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। तो हमारा जो आंसर चला जाएगा वो जाएगा क्या, बी नंबर ऑप्शन। हमारा जो आंसर है इसका क्या चला जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि HE परमाणु के वाहितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो HE जो है यानी कि हीलियम जो है, हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। इसका जो वाहितम कक्षा और कोर कक्षा जो भी बोल दो आप, इसका के कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितना होता है, 2 होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, जल में जो घुलता है भस्म उसको आप कहते क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप क्षार कहते हैं, क्षारक कहते हैं, क्षारण कहते हैं या संक्षारण कहते हैं, तो आपको आंसर बताना है। क्षार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है, ये नंबर ऑप्शन हमारा रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल जो है होता है वो प्रकृति में प्राकृतिक स्रोत, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। इसमें से बताना है आपको, संतरा है, टमाटर है, सिरका है या इमली है। तो आपको इसमें से आंसर बताना है कि कौन होगा। ठीक है, तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किस धातु का गलनांक जो है वो सबसे कम होता है। तो कौन सा धातु है इसमें सबसे, जिसका कि गलनांक जो है वो सबसे कम होता है, AlNaU और Fe। यहाँ पे Na जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो इस तरह से लिखा रहना चाहिए, Na। ठीक है, Na इस तरह से लिखा रहना चाहिए, छोटी A लिखा रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बड़ी A से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन है, इसको आप जो है ना आसानी से चाकू से भी काट सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं को कहते हैं, उपचयन अपचयन की अभिक्रिया जो है वो क्या कहलाती है। इस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ए नंबर ऑप्शन को टिक करिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन धातु है जिसका दहन जो है ना, जैसे ही दहन करिएगा आप, चमकदार श्वेत ज्वाल के साथ ये जो है ना उत्पन्न करता है, ज्वाला उत्पन्न करता है, तो कौन सा इसका आंसर होगा आपको बताना है। तो Mg को आप जब जलाओगे, मैग्नीशियम को जब आप जलाओगे, तो श्वेत चमकदार ज्वार के साथ ये जलेगा। ठीक है, इसमें से बताना मांसपेशियों में, आहार नली में, हृदय में या इसमें से कुछ नहीं। तो हमारा ये वाली जो गतियाँ पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, आहार नली में पाई जाती है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। अगला देखते हैं, टैनिन कहाँ जमा होता है। टैनिन आपको बताना है कि किस में जमा होता है, वृक्ष के छाल में, पूरे पुराने एंजाइम में, पुराने फ्लोएम में, जड़ में। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा कि वृक्षों के छाल जो होते हैं उसमें जमा होता है। ए नंबर ऑप्शन हमारा इसके साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हृदय का पेस मेकर किसको कहते हैं, आपको बताना है। एस ए नोड इसका जो आंसर होगा, एस ए नोड होगा, ए बी नोड नहीं होगा, इसका एस ए नोड होगा, ए नंबर ऑप्शन
तो ये ए नंबर ऑप्शन। देखिए जिस भी आंसर में आपको कन्फ्यूज़न हो कि नहीं सर ने यहाँ पर गलत टिक कर दिया है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक सामान्य, मैं अपना बेस्ट यहाँ पर देता हूँ आपके सामने, एक सामान्य व्यक्ति में हृदय की धड़कन की जो गति होती है वो कितनी होती है? तो सामान्य व्यक्ति जो होते हैं उसका हमेशा 70 से 80 के बीच में होती है हृदय की गति सामान्यतः, ठीक है। और ऐसे जो हृदय जो धड़कते हैं वो 72 बार धड़कते हैं 1 मिनट में, तो आप 70 से 80 के बीच में यहाँ पर ठीक करेंगे, सी नंबर ऑप्शन रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर चाप नियंत्रण नियंत्रित होता है, रुधिर चाप जो है ना वो नियंत्रित होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है ना वो नियंत्रित होता है किससे? थायमस ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, या एंड्रियल ग्रंथि से, या वृषण से। तो यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, एंड्रियल ग्रंथि से नियंत्रित होता है, ठीक है, रक्तचाप हमारा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों में जो पत्तियों के झुलसाने में के लिए उत्तरदायी होता है, कौन सा एंजाइम ऐसा होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो जाएगा ऑक्सिन। हमारा जिसका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑक्सिन होगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? सिरा से होता है, रंध्र से होता है, मध्य सिरा से होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो रंध्र जो होते हैं वहाँ से होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हम क्या करेंगे, बी नंबर ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता क्या है, पित्तरस कहाँ से स्रवित होता है? पित्तरस जो है अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको आंसर बताना है इसमें। तो पित्तरस जो है ना वो यकृत से होता है, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लें। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक जो है वो पोषण की कौन सी विधि को अपनाते हैं? तो इसमें याद ये है, मृत जीवी होते हैं, मृत जो पौधे होते हैं या मृत जो चीज़ें होती है उसमें, उससे ये अपना पोषण ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन है, डायरेक्ट मैं इसका आंसर ही बता दिया आपको, इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समजात अंग के उदाहरण हैं, तो आपको बताना है समजात अंग के उदाहरण इसमें से कौन है? तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रभाग जो है वो समजात अंग में आते हैं, क्योंकि हमारे दांत और हाथी के दांत समजात अंग में नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो पहला नंबर आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में, न्यूरॉन में, मेरुरज्जा में, या डेंड्रोन में? तो आपको बताना है मेरुरज्जु में ये पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा, ए नंबर ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य अनुशीथलन रक्त दाब होता है कितना होता है, यानी कि सामान्य रक्त दाब आप कितना होता है ये बताइएगा। तो सामान्य रक्त दाब जो होता है वो, देखिए ये किस प्रकार से दिया जाता है ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ के अनुसार से जब आप अप में जाइएगा, यानी कि ऊपर के भाग को देखिएगा तो 220, और जब नीचे के भाग को देखिएगा तो कितना होगा, 80। तो अनुशीतलन सामान्य पूछा गया है, तो इस चीज़ को देखना है। तो लो डाउन में बीपी कितना होता है, तो 80 mm होता है, कितना होता है, 80 mm होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर टिक करना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा जो है एक उभयलिंगी जंतु है, इसमें से कौन सा उभयलिंगी जंतु है, इसमें से बताना आपको, दोनों लिंग पाए जाते हैं इसमें। तो इसका जो आंसर है वो होगा केचुआ, क्योंकि और सभी तो सामान्य रूप से हैं, कुत्ता, कुत्ती, बिल्ला, बिल्ली, बकरी, बकरा, इस तरह से, लेकिन उसमें केचुआ में सामान्य। अगला देख लेते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, पुष्प द्वारा, तना द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है। तो इसका आंसर आप जानते होइएगा क्या होता है, पुष्प द्वारा होता है, सॉरी हाँ, पुष्पों के द्वारा होता है, तो पुष्प यानी कि फूलों के द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक लिंगी पुष्प है कौन सा है, एक लिंगी पुष्प? तो इसमें जो पपीता का जो पुष्प होता है वो एक लिंगी पुष्प होता है, तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा चला जाएगा। अगला देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा बोने पौधे को दर्शाता है, इसमें से कौन सा है बोना पौधा को दर्शाता है? वो तो TT है, इसमें दोनों कैपिटल में रहेगा, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, TT ये वाला भाग रहेगा, ठीक है, दोनों ही। अगला क्वेश्चन है, मेरुरज्जु मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से निकलता है भाई? मेडुला से, कहाँ से निकलता है ये? मेडुला से निकलता है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है, तो आपको बताना है इसमें किसके द्वारा होता है। तो विसरण के द्वारा होता है। इसमें कैसे किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संकुचन के लिए, सभी के लिए। तो इसमें से सभी घटनाएं जो है मस्तिष्क के द्वारा हो सकती हैं। ठीक है, मस्तिष्क सबको नियंत्रित करता रहता है। अगला क्वेश्चन है को ग्लूकोज में ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो हालांकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है, पहले भी इस क्वेश्चन को क्लियर किया गया था। इसके कितने संख्या होते हैं? तो इसकी जो संख्या है वो होती है 6। इसकी संख्या कितनी होती है? 6H12O6। एक मिनट, इसकी संख्या होता है C6H जो है वो 12 होता है और O जो होता है वो 6 होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर से आएंगे आपके बीच में अन्य टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।